हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और ये क्रम संख्या चलते हुए पहुंच गए हैं तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय में। और ये अध्याय जो है ये वर्णन करता है भगवान श्री कृष्ण ने जब वराह रूप लिया। वराह यानी शुकर, बोर, वाइल्ड बोर यानी कि जंगली शुकर, सुअर का फॉर्म दिया भगवान ने। तो भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया। ये दो भाई थे, हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु, जिन्हें शास्त्रों में बताया गया ये भगवान के द्वारपाल थे, जय और विजय। इन दोनों को चतुष्कुवारों के द्वारा जब श्राप मिला तो भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और भगवान ने आकर के इन द्वारपालों से पूछा, तुम चाहते हो, क्योंकि इन्होंने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम राक्षस बन जाओ, मैं तुम्हें मौका देता हूं, 3 बार राक्षस बन सकते हो या 7 बार भक्त बन सकते हो, उसी के बाद तुम मेरे पास पुनः सेवा में आओगे। जय विजय ने कहा, प्रभु हम आपसी दूरी सह नहीं सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें भले ही राक्षस बना दो पर तुरंत 3 जन्मों के बाद हमें पुनः वापस बुला लो। इसलिए यह जय और विजय ही हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, दंत वक्र और शिशुपाल बनकर के जन्म लेते हैं। ये अद्भुत भगवान की लीला है। अब इस अध्याय में भगवान ने वराह रूप में किस प्रकार से भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और हिरणाक्ष को मारने के बाद भगवान का जो शरीर है इस शरीर को यज्ञ रूप बताया गया है। भगवान के शरीर से निकलने वाले रोंगटे, उनसे कुशा घास उत्पन्न हुई और भगवान के शरीर से निकलने वाले पसीने की बूंद, उनसे तिल उत्पन्न हुआ। इसीलिए यज्ञ में तिल और कुशा घास का बड़ा योगदान। तो शास्त्र में इस अध्याय के श्लोक संख्या 38 में एक बात कही गई है कि जो इस कथा को सुनता है उसे क्या प्राप्त होता है, सुनिए जरा ध्यान से। एतान महान पुण्यमलम पवित्रम धन्यम यशस्यम पदमायुराशिषम प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम नारायणो अन्ते गतिरंग शृण्वताम। बहुत सुंदर श्लोक है, तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय की श्लोक संख्या 38। क्या कहते हैं भगवान, शास्त्र कह रहे एतान महान पुण्यमलम पवित्र। कितनी कुछ चीजें ये कथा प्रदान करती है। सुनने में तो एक स्टोरी लगती है, सभी को मालूम है, लेकिन ये कथा अगर ध्यान से, क्योंकि हम तो संक्षिप्त रूप में भागवत सुना रहे हैं, अगर व्याख्यान रूप में आप कभी हमारे भागवत कथाओं में आए और इसकी डिटेल में आप पढ़ें श्रीमद् भागवत पुराण को या श्रीमद् भागवत कथा सुने, तो क्या प्राप्त होता है, एतान महान पुण्यमलम, ये महान पुण्य देता है पहली चीज। पवित्रम, जो इस कथा को सुनता है उसे पूर्ण भगवान शुद्ध कर देते हैं, जन्मों जन्मों में किए गए पापों को समूल को नष्ट कर डालते हैं। पुण्यमलम पवित्रम धनम, यानी उस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी की रेखा पे है और उसे लगता है कि मेरे जीवन में जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे खाने में नमक की आवश्यकता है ऐसे ही जीवन में धन की आवश्यकता है। ना तो नमक ज्यादा होना चाहिए ना नमक कम होना चाहिए, वैसे ही धन की आवश्यकता है, लेकिन ज्यादा फिर वो धन संचय आसक्ति संसार में फंसाने वाला। लेकिन कुछ धन चाहिए और वो धन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप भगवान की वराह कथा को सुनिए। ऐसा शास्त्र श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। धनम यशस्यम, अगर कोई व्यक्ति को लगता है मेरा यश कैसे पहले का संसार में, उसे वराह कथा सुनने से यशस्यम यश की प्राप्ति होती है। पदम आयुर आशिषम, पदम यानी कि उसको इज्जत मिलती है संसार में। हम देखते हैं कि लोग इज्जत पाने के लिए कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फिर भी संसार में इज्जत नहीं। पद की पूजा होती है, कोई व्यक्ति आईएएस है, कोई डिफेंस का बहुत बड़ा वो है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है,
कोई कुछ है, पर इसकी पूजा कब तक है? जब तक वो उस पद पर है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसकी पूजा उस पद से उतरने के बाद भी हमेशा होती रहती, क्योंकि वो पद के पुजारी नहीं रह करके उस व्यक्ति के पुजारी बनते हैं जिसने अपने जीवन में भगवान को स्थापित किया, आचरण में भगवान को लेकर आया, भगवान की शिक्षाओं को उसने आचरण में उतारा। इस पदम आयुर यानी आयु भी उस व्यक्ति की बढ़ती। आयु बढ़ने का मतलब क्या है? वैसे तो जन्म के साथ ही हमारी आयु फिक्स होती है कि जब व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो फिर आयु कैसे बढ़ेगी? यानी कि स्वस्थ शरीर के साथ जितना काल जीवन में लिखा है वह स्वस्थ शरीर। आयुर आशीषम, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करते ना, आशीष दो, आशीष दो, आशीर्वाद दो, भगवान का आशीर्वाद मिलता है इस कथा को सुनने से। लोग सोचते शायद भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाऊंगा, रोऊंगा, शायद आशीर्वाद मिलेगा। ना, केवल हरि कथा के श्रवण मात्र से आशीषम आशीष मिलता है। प्राणेन्द्रियाणाम यानी कि जितने भी हमारे प्राण इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, हाथ पैर अपान उदान समान वायु प्राण वायु पंच इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां जितने भी हैं, प्राण इंद्रियाणाम ये सब शुद्ध हो जाती हैं हरि कथा सुनने से। युधि शौर्य वर्धनम, अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो उसके शौर्य का वर्धन होता है, यानी कि अगर कोई सैनिक, कोई फौजी, कोई पुलिस, कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर भी हरि कथा सुनता है उसको भी भगवान उसके शौर्य का बल बढ़ाने की मदद कर। नारायणो अंते गतिरंग श्रणवताम, अगर किसी ने इस हरि कथा को अपने अंतिम काल में सुन लिया तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई पेशेंट है और वो अपने अंतिम समय में है, हमें बताइए प्रभु जी अभी ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए, क्या करें ऐसे व्यक्ति के लिए? हरि कथा सुनाइए, गीता सुना सकते हैं, भागवत सुना सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष सुना सकते हैं, नारायण कवच स्तुति सुना सकते हैं, नरसिंह कवच आदि स्तुति सुना सकते हैं, और सबसे सुंदर जैसे व्याख्यान किया गया वराहा की कथा को, वराहा भगवान की कथा को श्रवण कराएं उस व्यक्ति को, तो उसकी अंते गति हो जाएगी, अंत मति से गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। नारायण अंत स्मृति, अंत में अगर नारायण की स्मृति बन गई तो उस व्यक्ति का भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। कितना कुछ दे रही है ये कथा हमको, कितना सब कुछ सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की कथा को न पढ़ते हैं न सुनते हैं, हम नहीं जानते इसकी अद्भुत महिमा को। तो इसकी अद्भुत महिमा को जानते रहिए, भागवत प्रवाह को सुनते रहिए, और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के ज्ञान को आगे लोगों को फॉरवर्ड करके सुनाते रहिए। हरे कृष्ण।